90 के दशक का रामानंद सागर धारावाहिक श्री कृष्णा आप सबको भली भांति याद होगा। हो भी क्यों ना, आखिरकार कृष्णा की दिव्य मुस्कान भूल कौन सकता है। हमने पिछले वीडियोस में रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा और अली बाबा के किरदारों के बारे में जाना। बात करें श्री कृष्णा में श्री कृष्ण के किरदार की, तो उम्र की अवस्था के अनुसार उसमें 6 व्यक्तियों ने किरदार निभाए थे। हमने पिछले वीडियो में सर्वदमन डी बनर्जी जी के बारे में बताया था, जिन्होंने वयस्क कृष्णा का किरदार निभाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बचपन के श्री कृष्ण की, जिन्होंने नाग को नथ लिया था और अनेकों बाल लीलाएं की थी। इससे पहले हम उस किरदार को निभाने वाले कलाकार के बारे में बताएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें, इन सब से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए बताते हैं उस कलाकार के बारे में जिन्होंने यंग कृष्णा का किरदार निभाया था। यंग कृष्णा का किरदार जीवंत किया था अभिनेता अशोक कुमार बालाकृष्णन ने। जिस समय उन्होंने ये किरदार निभाया था उस समय वो महज 13 वर्ष के थे। इतनी कम उम्र में भी नाग के ऊपर इतना अच्छा नृत्य, ऊपर से बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी। तो चलिए जानते हैं उनके पूरे जीवन के बारे में। अभिनेता अशोक कुमार बालाकृष्णन का जन्म 12 दिसंबर 1981 को तमिलनाडु के थंजावुर जिले के थिरुवैयारू टाउन में हुआ था। उनके पिता का नाम आर बालाकृष्णन और माता का नाम राधा बालाकृष्णन है। उनके भाई का नाम एम वी शिवाशंकर है। इन्होंने मुंबई के फातिमा हाई स्कूल और वाणी विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और मुंबई के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। जब वो 4 वर्ष के थे तब उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा था। वो एक शिक्षित क्लासिकल डांसर हैं, साथ ही साथ वेस्टर्न कॉन्टेम्प्रेरी जैज बैलेट डांसर भी हैं। उन्होंने कनिंगम स्कूल USA से डांस की ट्रेनिंग ली, किशोर नमित कपूर्स एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स भी किया। इसके अलावा वेस्टर्न फाइट्स और जिम्नास्टिक के लिए भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। जब वो करीब 13 साल के थे तब उन्होंने रामानंद सागर जी के कृष्णा धारावाहिक में छोटे कृष्णा का किरदार निभाया था। अभिनय उनके लिए शौक भी है और पेशा भी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में राजू खान जी के साथ असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तौर पर काम भी किया है। उन्होंने देश और विदेश में काफ़ी सारे इंग्लिश और हिंदी भाषा में थिएटर भी किए हैं, जिसके लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। उन्हें बेस्ट डांस के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नृत्य मयूर पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें श्री कृष्णा में कृष्णा के किरदार के लिए बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। जब वो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में यानी कि इप्टा में अपने अभिनय की शिक्षा पूरी कर रहे थे तब उन्हें हिंदी थिएटर के शो कथा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। वर्तमान में वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में हैं। फिल्मों की बात करें तो उन्होंने अभी तक तमिल फिल्में ही की हैं। 2007 में आई तमिल फिल्म मुरुगा उनकी पहली फिल्म थी, जो कि एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। उसके अलावा उन्होंने पिडी चिरकू, कोजी कुवथू, कधल सोल्ला आसई, गैंग्स ऑफ मद्रास जैसी जबरदस्त तमिल फिल्में की। उनके निजी ज़िंदगी की बात करें तो वो एक बहुत साधारण इंसान हैं। उनके परिवार का कोई फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं है। वर्तमान में वो चेन्नई में रहते हैं। उनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रेमिका सरनिया से मार्च 2018 में शादी की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।